जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद हसन, आई एम एसोसिएटेड विद किप्स एज अ लेक्चरर फॉर पाकिस्तान अफेयर्स। माय प्रीवियस क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव अ डिग्री इन साइकोलॉजी, फिर उसके बाद आई हैव अ मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन विद माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन वॉर स्टडीज, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडिया। सो पाकिस्तान अफेयर्स अगर एज अ सब्जेक्ट इसकी हम बात करें CSS के अंदर, so on a scale of 1 to 10 I would rank Pakistan affair as 12 because of its importance, because jab hum CSS ki baat karte hain as a CSS aspirant aur uske baad aapki jab allocation hoti hai aur usse leke aapki retirement tak, everything that you do, every move that you make is for Pakistan, by Pakistan, to Pakistan. So Pakistan affairs basically wo subject hai jo aapko equip karta hai with the basic knowledge of what Pakistan is, what is the foreign policy of Pakistan, what is the economic policy of Pakistan, what are the issues that Pakistan is facing, and most importantly what is the ideology of Pakistan. So Pakistan affair as a subject agar dekha jaye to 100 number ka hai, lekin ye kabhi bhi 100 number ke liye hum isko taiyar nahi karte. For example, Pakistan affairs 100 marks, current affairs mein bhi Pakistan affairs se related subject related topics hain, so 100 marks wo bhi hain. Then essay ke andar aapko jo 10 topics aate hain jisme se aapne ek topic karna hota hai, usme se ek lazmi topic Pakistan affairs ka aata hai, so this makes it 300. So baki subjects mein Pakistan affairs, Afghanistan related, US Pakistan's foreign policy related, Pakistan hydropolitics related, is tarah ke jitne bhi questions aate hain, a rough estimate is ke Pakistan affairs mein आप ऑलमोस्ट 400 to 500 सब्जेक्ट्स, 500 नंबर्स CSS के प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई वुड रैंक इट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर CSS, बिकॉज द एंटायर बिल्डिंग ऑफ CSS हैज बीन इरेक्टेड ऑन द फाउंडेशन दैट इज बिल्ड ऑन द कोर्सेज ऑन द टॉपिक्स दैट यू स्टडी इन पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा, अभी यहाँ पे देर आर सर्टन मिसकंसेप्शंस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। इसमें पहली मिसकंसेप्शन ये है कि आजकल हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, एक बड़ा स्लोगन सुनने को मिलता है कि CSS क्योंकि करंट अफेयर बेस हो गया है लिहाजा इस वजह से हमें हिस्ट्री जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, विच इज़ डिज़ास्ट्रस, बिकॉज पाकिस्तान अफेयर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर इशू है या पैलेस्टाइन इशू है या आपका हाइड्रो पॉलिटिक्स है या आपके इकोनॉमिक इशूज़ हैं, कश्मीर इशू की ही अगर हम एग्जांपल ले लें, हम कश्मीर इशू के करंट सिनेरियो को हाउ इज़ इट मैथमेटिकली पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कश्मीर इशू विदाउट नोइंग द हिस्ट्री, बिकॉज CSS के अंदर हमें ये तो आइडिया हो जाता है कि इस साल एग्जाम में किस तरह के सवाल आएंगे, फॉर एग्जांपल वी नो दैट क्वेश्चन माइट कम फ्रॉम कश्मीर इशू या इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई हरगिज़ नहीं कर सकते कि उस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हेडिंग्स को रट्टे लगाए हुए होते हैं या जिन्होंने रट्टा रटाया हुआ एक वो तैयार किया होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका हिस्टोरिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है वो अपने हिसाब से हर तरह के क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। सो नंबर वन, हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है पाक अफेयर्स के अंदर, लिखना ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, अक्सर हम एक टर्म सुनते हैं व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चंस इन CSS, वो है क्रिटिकल एनालिसिस। नाउ ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत कम अवेलेबल है, आपको हर टीचर कहेगा, हर मेंटोर कहेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस करें, बट कोई आइडेंटिफाई सही से बहुत कम लोग करेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है, और क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली रूह है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की। सो क्रिटिकल एनालिसिस में अक्सर मिसकंसेप्शंस यहाँ पे हैं कि आपकी अपनी ओपिनियन को क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, आप गुड्स एंड बैड्स बता के अपनी ओपिनियन बता दें तो ये क्रिटिकल एनालिसिस होता है। क्रिटिकल एनालिसिस ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्रिटिकल एनालिसिस में आपकी अपनी ओपिनियन नहीं रिक्वायर्ड, आपके वर्ड्स रिक्वायर हैं, वो चाह ये रहा है कि आप ओपिनियन दें उस टॉपिक या उस फील्ड से रिलेटेड किसी ग्रेट की,
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर सवाल आता है और उसको कहते हैं क्रिटिकली एवेल्यूएट करें, तो वो आपसे चाह ये रहा है कि आप इस इकोनॉमिक फील्ड के ग्रेट, फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स के लेंस लगाएं और अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि कार्ल मार्क्स अगर इस सिचुएशन में होता वो किस तरीके से इस इशू को कैटर करता। सो क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्टकट क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करने का सिर्फ और सिर्फ एक है कि आजकल के दौर में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स के ऊपर ही अगर हम बात करें, क्योंकि अब टाइम भी हमारे पास कम है, नेक्स्ट मंथ CSS है, तो इसको क्रैक कैसे किया जा सकता है इस कम टाइम पीरियड में, तो उसमें यह कि हमें एक होलिस्टिक स्टडी करनी चाहिए। पाकिस्तान अफेयर्स को पाकिस्तान अफेयर्स नहीं, पूरे CSS के साथ मिला के पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स का बहुत लेंथी सिलेबस है, लेकिन अगर पास पेपर्स को देखें तो देर आर स्पेसिफिक सर्टन एरियाज जहां से सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडियोलॉजी वाले पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, मूवमेंट्स वाले पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, और बाकी सारे फिर करंट इशूज के साथ CPAC से रिलेटेड होंगे, कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, पाकिस्तान की अमेरिका से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी पे लाजमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई सवाल आ जाता है। सो इस तरीके से इसको लेके चलें और इस कम टाइम के अंदर फोकस करें रिसर्च पेपर्स के ऊपर। बड़े अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, 7-8 पेजर रिसर्च पेपर होता है जिसमें आपको सारे का सारा मिडल ईस्ट समझ में आ जाता है, 4-5 पेजर रिसर्च पेपर होता है, क्योंकि वो रिसर्च पेपर जिसने लिखा होता है वो IR में या पॉलिटिकल साइंस में वो PhD लेवल का या MPhil लेवल का स्टूडेंट होता है या प्रोफेसर होता है। सो उसका जो वो अपनी फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट होता है, उसके लेंस लगा लेते हैं आप और फिर आप सवाल का जवाब देते हैं। सो एक तो ये तरीका है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो मुझे ऐसा फील होता है कि सबसे ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान अफेयर्स में मार खाते हैं वो लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से खाते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से खाते हैं। बिकॉज पेपर मिसाल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो आपका एक सिग्नेचर देख के आपकी पूरी पर्सनैलिटी बता देते हैं एक लफ्ज देख के। तो CSS के पेपर के अंदर आप 3-4 हज़ार लफ्ज लिख रहे होते हो, सो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर पे जा रहा होता है। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जैसी होगी, आपकी हैंड राइटिंग जैसी होगी, उस हेडिंग्स के वर्ड्स जैसे होंगे, उसके अंदर कोटेशंस आप किस तरीके से कोट करते हो, एवरी बिट काउंट्स, और इसका इम्पैक्ट जा रहा होता है आपके पेपर चेकर के ऊपर। सो ये सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी आपको क्या करना है, आई वुड सजेस्ट कि पहली बात पाकिस्तान अफेयर्स को आइसोलेट करके नहीं पढ़ें, अब टाइम कम है, इसको होलिस्टिकली पढ़ें, यानी सारे सब्जेक्ट्स को मिला के पाकिस्तान अफेयर्स को देखें, और दूसरा हर रोज़ कम से कम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें टिल योर एग्ज़ाम, एक पास्ट पेपर प्रैक्टिस करें टिल योर एग्ज़ाम, रोज़ एक पेपर आप करें ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो। और इसके अलावा जितने मैक्सिमम आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं उन टॉपिक्स के, जो पाक अफेयर्स में भी आएंगे, करंट अफेयर्स में भी आएंगे, SA में भी आएंगे, इस्लामियात में भी आ सकते हैं, IR में भी आ सकते हैं, पोल साइंस में भी आ सकते हैं, उन टॉपिक्स को रिगरसली इन डेप्थ पढ़ना शुरू करें। और इसके साथ साथ एक जेनेरिक लास्ट टिप है कि वी हैव एंटर्ड 21st century और मीडिया का दौर है, CSS एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं CSS की जर्नली और स्पेसिफिकली पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन के लिए। सो यूज़ करें इनका, कम्पीट करें यूजिंग ऑल द टूल्स। इंशाल्लाह गॉड बी विद यू। थैंक यू।